जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। यह कथन श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी, उनके कॉर्ड्स और उनके द्वारा लिखी गई बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल कविता। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 13 बच्चों में सबसे छोटे थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रकृति से अगाध प्रेम था। वे एक प्रसिद्ध बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। सन 1883 में उन्होंने 10 साल की उम्र की मृणालिनी देवी के साथ विवाह किया। इनके कुल 5 बच्चे हुए। सन 1915 में अंग्रेजों द्वारा टैगोर जी को सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई सर की उपाधि का त्याग कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी का सबसे पहले महात्मा कहकर पुकारा था। 7 अगस्त 1941 को राखी के दिन इस महान कवि ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उनके दिए हुए राष्ट्रगान को आज भी पूरा देश एक साथ सम्मान के साथ गाता है। अब हम लेके आए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बहुत ही बेहतरीन अनमोल वचन या कॉर्ड्स। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। दुनिया का प्रत्येक बच्चा अपने जन्म के साथ ये संदेश लेकर आता है कि भगवान अभी भी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। अकेले फूल को कई कांटों से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती। मनुष्य का जीवन एक महानदी की भांति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन दिशाओं में अपनी राह बना लेती है। यदि मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता तो दूसरे दरवाजे से जाऊंगा या नया दरवाजा बनाऊंगा, क्योंकि वर्तमान चाहे कितना भी अंधकार में हो, कुछ तो शानदार सामने आएगा ही। आपकी मूर्ति का टूट कर धूल में मिल जाना इस बात को साबित करता है कि ईश्वर की धूल आपकी मूर्ति से महान है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर करती है। अब हम लेके आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही खूबसूरत कविता। हमारे कविता का शीर्षक है अरे ओ पथिक अभागे रे, अनसुनी करके तेरी बात, न दे जो कोई तेरा साथ, तो तू ही कसकर अपनी कमर, अकेला बढ़ चल आगे रे। अरे ओ पथिक अभागे रे, देखकर तुझे मिलन की बेर, सभी जो ले अपने मुख फेर, न दो बातें भी कोई करे, सभे हो तेरे आगे रे, अरे ओ पथिक अभागे रे। तो अकेला ही तू जी खोल, सुरीले मन मुरली के बोल, अकेला गा अकेला सुन, अरे ओ पथिक अभागे रे, अकेला ही चल आगे रे। जाए जो तुझे अकेला छोड़, न देखे मुड़कर तेरी ओर, बोझ ले अपना जब बढ़ चले, गहन पथ में तू आगे रे, अरे ओ पथिक अभागे रे, अरे ओ पथिक अभागे रे। थैंक यू।